नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं कि वेब एपीआई 2 के अंदर हम स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज करके क्रड ऑपरेशन को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और उसे किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ये वीडियो सीरीज आपके दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक के अंदर मैं वेब APIs को क्रिएट करूंगा यूजिंग द स्टोर्ड प्रोसीजर और दूसरे पार्ट के अंदर मैं उनको कॉल करना आपको बताऊंगा। हालांकि कॉल करना मैं आपको MVC के ट्यूटोरियल के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसके अंदर मैंने jQuery का यूज किया था और jQuery का यूज करके मैंने जो APIs थी उनको कॉल भी कराया था, लेकिन इसके अंदर ये सेपरेट मेरी वेब API की ट्यूटोरियल सीरीज है, इस वजह से मैं इसे सेपरेट बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं हम कि वेब API 2 का यूज करके हम या फिर हम स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज करके किस तरीके से क्रड ऑपरेशन यानी कि क्रिएट रीड अपडेट डिलीट इस टाइप के फंक्शंस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहां मैं जो चीज यूज में लेने जा रहा हूं दैट इज द स्टोर्ड प्रोसीजर। इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक टेबल बनाई हुई है, एक बहुत सिंपल सी टेबल है जिसके अंदर मात्र चार फील्ड है आपके, लाइक ID है, EMP नेम है, सैलरी है और एड्रेस है। और इन चारों को मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ कुछ प्रोसीजर बनाए हुए हैं। तो जिन लोगों को स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में आइडिया है तो वो जानते हैं कि ये कैसे प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं है तो मैंने एक वीडियो के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में बताया हुआ है कि हम किस तरीके से स्टोर्ड प्रोसीजर को बना सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमारे प्रोसीजर बने हुए हैं जिनके अंदर चार फील्ड है और चारों फील्डों के अंदर मुझे इंसर्ट अपडेट डिलीट को परफॉर्म करना है। और वेब API को टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट फिल्डर के नाम से जो कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट को भी यूज करके आपको बताऊंगा, जिससे आपको इसका थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे विजुअल स्टूडियो के अंदर एक वेब API के प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा। तो आप फाइल के अंदर जाइए, न्यू के अंदर जाइए, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, टेम्पलेट आ जाएगा, जिसमें आप ASP.NET वेब एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे। और मैं यहां लिख देता हूं वेब API स्टोर्ड प्रोसीजर, ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम हो गया और आप ओके करा दीजिए। ओके कराएंगे आप, एम्प्टी सेलेक्ट करें, नॉट एम्प्टी, आपको वेब API सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप वेब API को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये आपके एक वेब API प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेगी और इसके क्रिएट होने के बाद फिर हम आगे स्टोर्ड प्रोसीजर को कनेक्ट करेंगे यूजिंग द EDO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट हो चुका है। तो अब मुझे करना क्या है कि अपने मॉडल्स फोल्डर के अंदर जाके सबसे पहले मुझे एक EDMX फाइल को ऐड कराना है। तो मॉडल्स के ऊपर राइट क्लिक करके आप EDO.NET एंटिटी डेटा मॉडल को सेलेक्ट कीजिए। कोई भी मॉडल का नेम दे सकते हैं, मैं यहाँ मॉडल 1 दे देता हूँ। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, आप इसे सेलेक्ट कीजिए। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है ये। न्यू कनेक्शन को सेलेक्ट कीजिए और आप अपने सर्वर का नेम दे दीजिए। तो मेरे यहाँ सर्वर का जो नेम है वो है yogesh.net। और इसके बाद जिस डेटाबेस से आपको कनेक्टिविटी करनी है तो आप उस डेटाबेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो डेटाबेस है वो एंगुलर डेमो है, टेस्ट कनेक्शन किया, कनेक्शन टेस्ट हो चुका है, ओके कीजिए। ओके करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आपको सामने ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आपको टेबल्स भी लेनी है और स्टोर्ड प्रोसीजर भी लेने हैं। तो दोनों को चेक कर दीजिए, व्यूज इसके अंदर है नहीं तो ये अगर सेलेक्ट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिनिश कीजिए, ये आपका प्रोजेक्ट EDMX फाइल आपके यहाँ क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर आपके मॉडल आ जाएगा, मॉडल में आपके स्टोर्ड प्रोसीजर आ जाएंगे। आप यहां देख सकते हैं कि ये मेरा मॉडल यहां क्रिएट हो चुका है एम्प्लॉय के नाम से। और इस मॉडल के अंदर आप यहां देखें तो आपको यहां फंक्शन इंपोर्ट्स के अंदर गेट एम्प्लॉय, SP एड एम्प्लॉय और SP डिलीट एम्प्लॉय, SP अपडेट एम्प्लॉय, ये सब कुछ चीजें आ चुकी हैं। तो आप पहले क्या करें, अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लीजिए जिसके इसकी जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो आपकी लोड हो जाए आपके करंट प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट अब यहाँ बिल्ड हो चुका है तो इसके बिल्ड होने के बाद अब मुझे कुछ चीजें और यहाँ इंप्लीमेंट करनी है। आप क्या करें, इसको तो कर दीजिए बंद। अब बंद करने के बाद आपको एक कंट्रोलर क्रिएट करना है यहाँ पर। ये मैं कंट्रोलर के ऊपर राइट क्लिक करके और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोलर। कंट्रोलर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वेब API, क्योंकि आप यहाँ वेब API कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे वेब API टू कंट्रोलर विद एक्शन यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। आप इसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपसे मॉडल क्लास मांग रहा है, तो मेरी जो मॉडल क्लास है वो एम्प्लॉय के नाम से है तो एम्प्लॉय मॉडल क्लास को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। डेटा कंटेक्स्ट क्लास आपकी वो क्लास है जो एंटिटीज क्लास होगी, तो मेरे यहाँ जो एंटिटी क्लास है वो एंगुलर डेमो एंटिटीज है और यहाँ जो कंट्रोलर का नेम है वो एम्प्लॉयज है। और मैं इसे ऐड कराता हूँ तो आप देखेंगे ये आपका एम्प्लॉय कंट्रोलर क्रिएट हो जाता है। जब आपका ये कंट्रोलर यहाँ क्रिएट हो जाता है तो आप देखेंगे इसके अंदर कोड आपका ऑलरेडी आ रखा है, लेकिन यहाँ जो आपके मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, जो भी आपका इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह जो भी एक्शन आपका परफॉर्म हो रहा है वो एक सिंपल लिंक यू क्वेरी के थ्रू हो रहा है, लेकिन मैं स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू ये काम करना चाहता हूँ तो ये काम बहुत ईजिली हो जाता है दोस्तों। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखें तो ये तो डेटा फैच करके ला रहा है। एक बार आप इसकी टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट को एक बार रन कराइए और देखिए क्या आपको डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इसे रन करा के और देख लीजिए, ये तो आपका होम पेज है और मैं यहाँ लिखता हूँ अगर API/employees, तो आप देखें आपको ये डेटा मिल चुका है यहाँ पर। अगर मैं इसे फिल्डर के थ्रू चेक करना चाहता हूँ तो बिल्कुल मैं फिल्डर के थ्रू चेक कर सकता हूँ। ये एक टूल है, आपका टूल का यूज़ करके आप ये सब चीज़ें टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं अगर लिखता हूँ
जो URL मैंने यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज, मैं इस URL को कॉपी करके और अगर मैं यहाँ प्रिंट से पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखें आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ये आपको स्टेटस दिखा रहा है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो डेटा आपको चाहिए था वो डेटा यहाँ मिल चुका है, हेडर्स वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है डेटा आपका। ये जेसन फॉर्मेट में डेटा है, सिंटेक्स व्यू देखें आप तो ये देख सकते हैं आप, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि जेसन, एक जेसन ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रिटर्न हो रहा है। तो ये चीज हमारी यहाँ बन चुकी है। तो ये तो गेट एम्प्लॉइज के लिए हो गया, लेकिन अगर मुझे अब यहाँ पुट एम्प्लॉइज वगैरह के लिए करना है या फिर मुझे इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है तो वो मैं आप किस तरीके से करूंगा चलिए देखते हैं। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट एम्प्लॉय की। पोस्ट एम्प्लॉय का मतलब यह हुआ कि आपको यहाँ कुछ डेटा ऐड करना है, तो जैसे आप जानते हो कि ये लिंक क्वेरी और एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके सारा टास्क परफॉर्म कर रहा है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, हटाने के बाद आपको करना क्या है, पहले तो आप इसे हटा दीजिए और बहुत सिंपल सा तरीका है, आप पहले एक वेरिएबल बनाइए जिसके अंदर आपका रिजल्ट आएगा कि वो डेटा आपका पोस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आप लें, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो एसपी था यानी कि जो आपने स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया था वो आपके यहाँ लिस्टिंग के अंदर आ चुका है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पर ये एम्प्लॉय का आपको देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट में हम यूजर से जो वैल्यू है वो वैल्यू फिल होंगी वो वैल्यूज आपकी यहाँ आ जाएंगी। तो आप क्या करें, इस ऑब्जेक्ट का यूज करके इन पैरामीटर्स को पास कर दें, जैसे आप देख सकते हो यहाँ ईएमपी नेम, सैलरी और एड्रेस तीन चीजों को मांग रहा है। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है एम्प्लॉय डॉट, और आपने यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट किया ईएमपी नेम, सेकेंड आप जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है आपका सैलरी, तो एम्प्लॉय डॉट और सैलरी को आप यहाँ गेट कर लीजिए तो ये सैलरी आ जाएगी, और फाइनली जो है आपका एम्प्लॉय डॉट और उसके बाद एड्रेस, ये तीन पैरामीटर्स को आप यहाँ पास करा रहे हैं। आईडी आप इसलिए पास नहीं करा सकते क्योंकि वो आपका ऑटो इंक्रीमेंटेड फील्ड है। ये चीज होने के बाद अब आपको एक अगर रेस्पॉन्स भी जनरेट करना है तो बिल्कुल आप रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो वो मैं रेस्पॉन्स किस तरीके से जनरेट कर दूंगा तो वो मैं इसे क्रिएट करके बताता हूँ। तो ये नीचे वाला स्टेटमेंट तो मैंने यहाँ एक सिंपल सा एक कमेंट कर दिया, और कमेंट करने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है। एक बार मैं इसे छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं अभी इसकी वैल्यू को रिट्रीव करने वाला नहीं हूँ, जब मैं इसे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें वैल्यू रिट्रीव करूंगा तो उसके अंदर मैं आपको ये चीज बताऊंगा। तो एक बार अपन इसे स्किप कर देते हैं। तो ये आपका हो गया एड एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय की डिटेल्स को एड करने के लिए। अब आता है आपका डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट आपको करना है इन्फॉर्मेशन को, तो इसे तो हम बनाए थे कमेंट क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डीवी डॉट डिलीट एम्प्लॉयज, डिलीट एम्प्लॉय लिखने के बाद आपको यहाँ आईडी पास करना है, तो आईडी जो पैरामीटर आप ऊपर से ले रहे हो ये जो आईडी पैरामीटर है उस आईडी पैरामीटर को एज इट इज यहाँ पास करा दीजिए, तो ये आपके ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा और डेटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अपडेटेड भी आपका वहाँ डेटा आता है तो आप इसे इस तरीके से लिख दें ईएमपी और इक्वल लगा के, और ये आपने इस तरीके से यहाँ डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन हो गया डीवी डॉट डिलीट एम्प्लॉय। और फाइनली इसके बाद जो बनता है आपका वो है पोस्ट एम्प्लॉयज या पुट एम्प्लॉय। ठीक है, पुट एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा कि आपको डेटा अपडेट करना होगा, तो पुट एम्प्लॉय किधर गया, दिस वन, ओके, ये पुट एम्प्लॉय आप देख सकते हो यहाँ आपके सामने आ रहा है। अब इसके आने के बाद अब आपको करना क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसको तो आप कर दीजिए, हटा दीजिए इसे क्योंकि ये हमें इसका यूज नहीं करना है, और सिंपल सा एक टास्क मैं यहाँ परफॉर्म कर देता हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूँगा कि डेटा को अपडेट करूंगा, तो वेर ई एम पी इक्वल टू, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जो आपका ऑब्जेक्ट है आपका डीवी डॉट अपडेट एम्प्लॉय। तो अपडेट एम्प्लॉय के अंदर आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, तो ये एम्प्लॉय नेम मांग रहा है, तो ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आपका यहाँ अवेलेबल है तो आप यहाँ लिख सकते हो एम्प्लॉय डॉट, और फिर इसके बाद आपको जो चीज सेटिंग करनी है वो है पहले आपका फील्ड लेना है ईएमपी नेम, फिर एम्प्लॉय डॉट, और फिर आपको सैलरी लेनी है, फिर एम्प्लॉय डॉट आपको एड्रेस लेना है, ये एड्रेस ले लिया, और फाइनली आपको आईडी जो है आपका वो इंटीजर वैल्यू वो भी लेनी है। तो ये आपका यहाँ पर टास्क खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये आपकी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अब रन कराता हूँ तो देखिए अब क्या आउटपुट आपको मिलने वाला है। मैं इस प्रोजेक्ट को रन कराता हूँ, एक्चुअल में आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी यहाँ सेट करने होते हैं, विदाउट कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये पुट डिलीट और ये टाइप की रिक्वेस्ट आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, गेट रिक्वेस्ट आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप फिल्डर को ओपन कीजिए, यहाँ कंपोजर के ऊपर क्लिक कीजिए, कंपोजर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी रिक्वेस्ट को अपडेट कर सकते हैं। लाइक मैं आप पुट रिक्वेस्ट को यहाँ लिखता हूँ, पुट रिक्वेस्ट को लिखने के बाद आपको इस हेडर के अंदर यानी कि इस लोकेशन पे आपको कंटेंट टाइप को भी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप जो डेटा पोस्ट करने वाले हैं वो आपका एप्लीकेशन जेसन होगा, तो आपने लिखा कंटेंट टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन ऑब्लिक जेसन, आप इसे डिफाइन कीजिए, और इसके बाद आपको एक अपना
कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं जेसन का मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं इसे इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। तो आप देखें आईडी में इंसर्ट कर नहीं सकता क्योंकि पहले पोस्ट ले लेते हैं अपन, आईडी में इंसर्ट कर नहीं सकता क्योंकि आईडी मुझे यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये आईडी मैंने हटा दिया। और यहाँ एम्प्लॉई नेम के अंदर इस तरीके से योगेश शर्मा 111 को मैं पास कर देता हूँ। अगर मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये आपको 400 एरर दिखा रहा है। अगर आप इस एरर को चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट द रिक्वेस्ट एंड इनवैलिड हेडर नेम, ठीक है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको दिखा सकता है। तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए पोस्ट करने के लिए, पुट करने के लिए, डिलीट करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और यहाँ अपडेट करनी होती हैं, वो टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, कुछ बग्स होते हैं हर टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इसके अंदर भी एक बग है कि जब भी आप कोई भी एम्प्लॉयज़ का डेटा या इस तरीके से कुछ भी डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़, आप वैसे तो यहाँ ये वेब एपीआई के रूल के अकॉर्डिंग ही रहता है कि गेट एम्प्लॉई आपको लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि गेट रिक्वेस्ट है आपकी, पुट एम्प्लॉई है, तो ये पुट रिक्वेस्ट यानी कि अपडेट की रिक्वेस्ट है। लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप यहाँ पर इसे डेकोरेट कर दें इसकी पर्टिकुलर वर्ब के अकॉर्डिंग। तो आपने यहां लिख दिया जैसे एचटीटीपी पुट, ठीक है, और इसके बाद पोस्ट आप लिखना चाहते हैं तो आप यहां लिख सकते हैं एचटीटीपी पोस्ट, ये आप जरूर से डेकोरेट कर दीजिए, ये बेटर रहता है, अच्छी चॉइस होती है। आप यहां लिख सकते हैं एचटीटीपी डिलीट, ठीक है, ये एचटीटीपी डिलीट लिख दिया आपने, और डिस्पोज वगैरह की तो हमें सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपने सेव कर लिया सारा डेटा, ठीक है। सेव करने के बाद कुछ चीजें आपको जो यहां और इंप्लीमेंट करनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप करें क्या कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चीजों को जरूर से देख लें। एक तो रूट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, नॉट रूट कॉन्फ़िग, वेब एपीआई कॉन्फ़िग फाइल के अंदर एक चीज ये जरूर देख लीजिएगा आप कि आपका ये एट्रीब्यूट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, कॉन्फ़िग डॉट मैट मैप एचटीटीपी एट्रीब्यूट्स रूट्स। अगर ये आपका एनेबल नहीं है तो प्लीज आप पहले से क्रिएट कर लें। इसको क्रिएट करने के बाद आप अपनी वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर भी कुछ चेंजेस करेंगे, जिसमें आपके जो चेंजेस हैं वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका जो हैंडलर्स है जो कि आपका सिस्टम डॉट वेब सर्वर के अंदर आ रहा है, इस हैंडलर के अंदर आपकी जो रिक्वेस्ट है पाथ तो यहाँ दे रहा है लेकिन वर्ब को यहाँ स्टार लगा रखा है, ठीक है ना, तो आप इसे तो यहाँ से कमेंट बना दीजिए, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा एक नया एक इसी उसके अंदर एक नई चीज़ ऐड करने आ रहा हूँ, तो ये मैं इसे इस तरीके से यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आपने वर्ब में एक्सप्लिसिट डिफाइन कर दिया कि आपको कौन कौन सी वर्ब एग्जीक्यूट करनी है, गेट हो सकती है, हैड हो सकती है, पोस्ट हो सकती है, डीबग हो सकती है, पुट हो सकती है, डिलीट हो सकती है, ये वर्ब उसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक साथ के साथ रूट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ये चीज भी आप चेक कर लीजिएगा वेब एपीआई कॉन्फ़िग फाइल के अंदर कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ आईडी का प्लेस होल्डर नहीं होता है, ठीक है ना, और उसकी वजह से आपके एरर्स भी जनरेट होते हैं, तो इस चीज़ को भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। वेब एपीआई कॉन्फ़िग के अंदर ये आपने सेटिंग कर ली। एक चीज़ और आपको यहाँ जो करनी चाहिए वो और मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करें कि ये जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल को आप रिमूव कर दीजिए, वेब डेव मॉड्यूल, क्योंकि लोकल होस्ट पे जब आप रन कराते हो इस एचटीटीपी सर्विसेज को या फिर एपीआईज को तो ये कुछ टाइप के एक वेब डेव मॉड्यूल होता है जो इसे रोकने मतलब इंप्लीमेंट करने से रोकता है, तो ये इस टाइप के कोई भी इशू नहीं है, तो उसके लिए आप इसे एक बार रोक दीजिए। फिर उसके बाद आप सेव करके इसे दोबारा से रीरन कराइए और फिल्डर पे आपको दोबारा से ये चेक करना है कि क्या ये हमारा सक्सेसफुली काम करता है या नहीं करता है। तो आपका जो कंपोजर है आप कंपोजर पे जाइए, ठीक है, या नीचे आपको कर्ली ब्रेसेस जरूर से लगाना है, या आपने लगा दिया। लगाने के बाद अब आप देखिए जो आपकी रिक्वेस्ट है वो पोस्ट टाइप की है, और एक बार प्रोजेक्ट को देख लें सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब आप एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये आपको 404 एरर दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसे। पहले तो ये एक बार दोबारा से इसे कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं अपन, और इसका URL जो है वो API/ और employees है। दोबारा से रन कराते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या रिक्वायर्ड डेटा मिलता है या नहीं मिलता। तो ये देखिए अभी आपको 404 एरर दिखा रहा है, ठीक है। अब ये क्यों दिखा रहा है, एक बार आप टेस्टिंग कर लीजिए इसकी। द रिक्वेस्ट हैज एन इनवैलिड हेडर नेम, ओके, इनवैलिड हेडर नेम का इशू आ रहा है इसके अंदर। तो ओके दोस्तों, गलती क्या हो गई है कि यहाँ मैंने इक्वल साइन लगा दिया है, यहाँ आपका कॉलन आएगा, इस वजह से ये हेडर का आपकी रिक्वेस्ट गलत हो रही है। आप रन कराइए, अब ये आपको 415 एरर दे रहा है। एरर को जरूर चेक कर लें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो छोटी मोटी कोई गलती करते हैं। अब आप देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है इंफर्ड मीडिया टाइप एप्लीकेशन ऑक्टम स्ट्रीम है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये इशू जनरेट हो रहा है। तो आप कंपोजर पे वापस जाके आप चेक कीजिए, ओके, ये एप्लीकेशन जेसन के बाद भी आपका यहाँ पर कॉलन लगा हुआ था। तो फिर दोबारा से मैं इसे रन कराता हूँ तो आप देखें अब आपको जो मिल रहा है वो 201 मिल रहा है,
ठीक है, 201 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। आप देखें तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि 100 पर ये आपकी वैल्यू यहाँ स्टोर हो चुकी है। तो आप कोई भी अगर नया डेटा इंसर्ट कराते हैं यूजिंग फिल्डर तो आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक डेटा मैं और एंटर कर देता हूँ, यहाँ इसे 20,000 कर देता हूँ और जयपुर 111 कर देता हूँ। ये करने के बाद एग्जीक्यूट आप कीजिए, दोबारा से आप देखें 201 स्टेटस कोड आ रहा है, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और यहाँ जाके एक बार आप चेक कर लीजिए तो ये भी आपका रन कर रहा है। इसके बाद मुझे अगर अपडेट करना है तो अपडेट के लिए मैं फिल्डर में क्या करूँगा, जैसे यहाँ मैं पुट रिक्वेस्ट को ऐड कर दूंगा। पुट रिक्वेस्ट को ऐड करने के बाद आप, या पुट से पहले मैं डिलीट को बता देता हूँ, सेम चीज रहेगी। डिलीट में आपको यहाँ कोई भी आईडी वगैरह या फिर कोई भी आपको जेसन डेटा नहीं भेजना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ स्लैश लगा के जिस आइटम को आप रिमूव करना चाहते हैं आईडी के करस्पॉन्डेंस में, लाइक मैं 1005 को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इसे 1005 को यहाँ लिख देता हूँ। ये आपको वैल्यू पास करनी है। 1005 को लिखने के बाद जब आप एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ आपको 200 स्टेटस मिल रहा है। 200 स्टेटस का मतलब है ये आपका यहाँ से रिमूव हो चुका है। रिक्वेस्ट आप देखें तो 1005 से यहाँ पर कुछ भी आपको यहाँ नहीं मिला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप MAPI का यूज करके या स्टोर प्रोसीजर का यूज करके इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी मैं एक रियल टाइम प्रोजेक्ट आपको यहाँ इंप्लीमेंट करके बताने वाला हूँ कुछ टाइम में, और इसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।